तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डीएनए की, तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड, ये डीएनए है। अब हम जब पढ़ते हैं कि जब भी हमारा सेल है उसको डिवाइड करना है, तो सेल जब भी डिवाइड होना होता है सबसे पहले क्या होता है, जब जो उसका इंटरफेज होता है, इंटरफेज के तीन फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और हम क्या कहते हैं कि जो S फेज होता है वहां पे अमाउंट क्या होता है डीएनए का, डबल हो जाता है। अब ये कैसे डबल होता है, तो यहाँ पे देखिए डीएनए के ये टू टू स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड ये वाला है, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है। अब ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, मान लेते हैं कि जो ये यहाँ पे हमें जो वन और टू नजर आ रहा है इसको पार्टिसिपेट करना है, इन्होंने पार्टिसिपेट करना है नया डीएनए बनाने में, तो इस डीएनए को हम बोल देते हैं पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए भी कहते हैं, या फिर आप पेरेंटल स्ट्रैंड बोल लो। तो यहाँ पे वन और टू दोनों कैसे हैं, दोनों यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब कैसे नया डीएनए बनता है, अभी अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो हमारा ये दो स्ट्रैंड होते हैं आपस में कैसा बॉन्ड होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं ये अटैच होते हैं। अब पता क्या होता है, देखिए जब इनको कॉपी बनानी होती है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज। और ये हेलिकेज नाम का एंजाइम क्या करता है, जो ये दो स्ट्रैंड है ना इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़ दिया पूरी तरीके से। अब देखिए तोड़ने के बाद क्या होगा, जो मेरे दो स्टैंड है क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दोनों स्टैंड मेरे सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम आते हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कौन कौन से एंजाइम आते हैं, लेकिन बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी मशीनरी यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला स्टैंड है ये भी पेरेंटल स्टैंड है, जो अभी ओपन हो गया है, ये और साथ वाला, और ये भी क्या है, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, हेलिकेज एंजाइम ने दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया। अब बहुत सारे एंजाइम आते हैं, अब यहाँ पे देखो दोनों के पास स्ट्रैंड तो है ही है, मान लेते हैं कि इसके बाद यहाँ पे बेस बेस थे, ए था, टी था, सी था, जी था, कुछ भी मान लो आप, यहाँ पर भी सेम था, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नया स्ट्रैंड बना देंगे अपने साथ जैसा, दोनों के दोनों, ये भी, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड था और ये रेड वाला जो है ये आपका न्यू स्ट्रैंड बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा हमारा अमाउंट जो होता है डीएनए का वो डबल हो जाता है, एक डीएनए से यहाँ पे टू टू डीएनए बन गए हैं, और इसको हम बोल देते हैं डॉटर डीएनए, जो एकदम अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है। ये देखो जैसा ये है ये भी तो वैसे ही था ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, ये वाला भी एज इट इज है, समझ आ रहा है आपको। यस मैम। अब इसके बाद एक वर्ड आपको और बताना है, जो स्टैंड यहाँ पे रेप्लिकेशन में, इसको हाँ इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, जहां पे डीएनए क्या करता है, डीएनए डीएनए ही बनाता है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डीएनए के दो स्टैंड थे, वन और टू, दोनों के दोनों ही रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही यहाँ पे नई कॉपी बना रहे हैं। तो जो स्टैंड यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। तो अगर आपसे भी पूछे कि जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो इन दोनों में से कौन सा स्टैंड एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट मतलब कौन आगे जाके रेप्लिकेट होगा, तो यहाँ पे दोनों स्टैंड ही क्या करते हैं, रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, समझ आ गया। तो दोनों ही यहाँ पे नई कॉपी बनाते हैं। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, जब हम आगे करेंगे ना इसको डिटेल में डिस्कस, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आ गया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आगे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर क्लियर है तो, क्या यहाँ पे कह रहा है, इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, दो ही स्ट्रैंड तो होते हैं डीएनए के,
लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए, मान लेते हैं इसको पेरेंटल डीएनए मान लिया, वो कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेट अस कॉल देम डॉटर डीएनए दस प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, समझ आया आपको, बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम बिकेम वेरी क्लियर, ये लाइन थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बताइए वासु को सीमता बोलिए, नम आगे दोबारा दोबारा पढ़ रहा था मैं, दोबारा नम दोबारा पढ़ रहा था, जो दोबारा पढ़ रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एनसीईआरटी के अंदर दोबारा अभी जो जो चीजें हमने की है ना यहाँ पे सारे पॉइंट्स वही दिए हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या साइलेंट फीचर्स दिए हैं इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो किसने दिया था जल्दी से नाम बताइए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, हाँ जी वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और इनकी टेक्निक किसके ऊपर बेस थी, एक्सरे डिफ्रेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या साइलेंट फीचर्स है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, सबसे पहला क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, दो ही होती है, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इन साइड, क्लियर है पहला पॉइंट सबको, बैकबोन को बनाने वाला शुगर और फॉस्फेट है और बेसिस कहाँ पे होते हैं, प्रोजेक्ट इनसाइड अंदर की तरफ होते हैं, और कितनी चेन होती है, टू होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, इट मींस इफ वन चेन हैज अ पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, दूसरी की क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, उसके बाद द बेसिस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो स्ट्रैंड, तो प्लीज असीमता इसको प्लीज ध्यान समझना, देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनके बीच में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनाऊ ना, एक चेन और बना दू, तो आपस में जब ये ऐसे ज्वाइन होंगे ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है दो चेन के बीच में, तो टू द बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तभी बेस पेयर बनते हैं, एडेनाइन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरीन कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडिन, यही है प्यूरीन हमेशा पिरिमिडिन के अपोजिट में आएगा या फिर पिरिमिडिन प्यूरीन के अपोजिट में आएगा, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स, समझ आया, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि देखिए प्यूरिन हमेशा डबल रिंग होता है और पिरिमिडिन सिंगल रिंग होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, किसकी वजह से, कि प्यूरिन आपका पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है इसकी वजह से, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसके से यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, अब ये जो टू चेन्स होती है वो कैसे कॉल्ड अप होती है, राइट हैंडेड फैशन में, इसका मीनिंग क्या है ये आपको अभी बताऊंगी, राइट हैंडेड का मतलब, बस अभी थोड़ा सा इतना नोट कर लो कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना वो हमारे पास राइट हैंडेड होता है, जो प्रोटीन के भी जितने स्ट्रक्चर होते हैं ना वो भी सारे एनिमल के अंदर राइट हैंडेड ही होते हैं, राइट हेलिकल होता है, लेफ्ट हैंडेड नहीं होते, कहने का मतलब ये है, द पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी थी, क्या कितना यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर, और अच्छा अगर एंगस्ट्रॉम में देखे तो एंगस्ट्रॉम में क्या डेटा होगा यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम, जो पिच जो है हेलिक्स की उसका कितना कितनी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, और ये बोल रहे हैं कि नैनोमीटर इज 1 बिलियनथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा 10^9 मीटर के, एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, 10 बेस पेयर होते हैं 1 टर्न के अंदर, so consequently the distance between a base pair
in helix is approximately 0.34 nanometer. The plane of one base pair stalk over the other in the double helix. जैसे आप देख पा रहे हो कि one base pair देखिए दूसरे के ऊपर arrange है और ये तीसरे के ऊपर arrange है. This in addition to hydrogen bond confers the helical stability of the helical structure. चीजें समझ में आ रही है आपको? Yes, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Compare the structure of purine and pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in a DNA remains almost constant? बताइए. वो distance की purine pyrimidine के साथ bind करता है. हाँ जी, क्योंकि binding क्या होती है? Pyrimidine के बीच में binding नहीं होती, purine के बीच में binding नहीं होती. Purine और pyrimidine के बीच में binding होती है. तो इस वजह से क्या होता है? Distance क्या रहता है उनके बीच का? हमेशा almost same रहता है. अब ये बोल रहा है, the proposition of double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology. अब ध्यान रखना, central dogma भी Crick ने ही दिया था. DNA का double helical structure भी इन्होंने दिया है और साथ में इन्होंने central dogma भी दिया है, जो हमें क्या बताता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि वो कैसे कैसे फ्लो करती है. अब समझते हैं, बट इज सेंट्रल डोग्मा. जो डीएनए होता है, जब डीएनए डीएनए बनाता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. जब डीएनए से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो ये होता है सेंट्रल डोग्मा. इसका मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी, उस इंफॉर्मेशन को हमने बाद में किसमें चेंज कर दिया? हमने चेंज कर दिया प्रोटीन के अंदर. तो इसको बताने वाला कौन है? इसको भी बताने वाला है फ्रांसिस क्रिक. तो फ्रांसिस क्रिक ने ही क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मतलब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे. जिन्होंने क्या बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैसे फ्लो करती है? सबसे पहले डीएनए से आरएनए की फॉर्म में चेंज होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. बाद में आरएनए से प्रोटीन की फॉर्म में चेंज होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. समझ आओगे? आ गया आपको? लेकिन इसके अलावा इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए. कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम ऑफ दिस प्रोसेस? बताइए इस प्रोसेस का नाम. बताइए सबने किया भी है पहले कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन रिवर्स होती है, मतलब आरएनए से डीएनए बनता है. तो बताइए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में किया था हमने. बोलिए असिंदर. ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं असिंदर? रिपीट करना प्लीज. हम ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए से आरएनए हो गया ना. हम कह रहे हैं यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा है. डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो लेकिन आरएनए से डीएनए बनना, हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में चेंज होती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये बोले कि कुछ वायरस ऐसे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, मतलब आरएनए से डीएनए की फॉर्म में होता है. नॉर्मली डीएनए टू आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. हाँ जी, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. किसमें किया था हमने ये? कौन सा वायरस था? बोलिए. मैम रेट्रोवायरस. हाँ जी, वेरी गुड. रेट्रोवायरस, जिसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल आता है एचआईवी का. एचआईवी वायरस क्या होता है? एक रेट्रोवायरस होता है. क्यों? इसके पास एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसको अच्छा मैं अच्छे से नोट ही कर लेती हूँ यहाँ पे. आप भी प्लीज नोट कर लो, अगर एनसीईआरटी ओपन की है तो वहीं पे ही चाहे आप नोट कर लो. देखिए, नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यही होता है. लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं?
इन सम वायरस, ध्यान रखना सारे वायरस में नहीं होता है, कुछ वायरस के अंदर होता है, इन सम वायरस। कौन से वायरस, वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में भी एग्जांपल किसका है, एचआईवी का। उसमें क्या होता है, उसमें उसमें हमारे पास जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए बनता है, और इस प्रोसेस को देखिए, आरएनए से डीएनए बन रहे, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया ना, तो हमने इसको नाम दे दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको क्या करवाता है, एक एंजाइम करवाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस तरीके के जो वायरस होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, समझ आया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, मतलब आरएनए की इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर चेंज होती है। क्लियर हो गया सबको, तो आज हमने आपका ये वाला कंप्लीट कर लिया है, डीएनए आज एकदम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे ना, वो हम ये बात करेंगे कि जो डीएनए उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, क्योंकि अगर हम बात करें ना न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जो डीएनए होता है, डीएनए की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी होती है। ह्यूमन के अंदर तो देखिए डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज होता है माइनस में, बहुत ही कम होता है। अभी मुझे डेटा याद नहीं आ रहा, हाँ ये देखो लिखा है यहाँ पे 10^-6 मीटर। इतना ज्यादा सोचो, न्यूक्लियस का डायमेंशन ये है 10^-6 मीटर, और डीएनए की लेंथ कितनी है 2.2 मीटर। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इतना बड़ा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा, तो डीएनए को हमें पैक करना पड़ेगा, तो उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, उसके लिए भी अगेन एक मॉडल आता है, मॉडल का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जो डिस्कस करना है वो है, जो भी मैंने आपको कहा था कि आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो ना, वहां पे ये पैराग्राफ दिया गया है दोनों के बारे में। कौन है ये देखिए, पहचान पा रहे उनको, ये है जेम्स वेटसन, और ये सेकंड वाले है क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने क्या दिया था, 2D स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे इनके बारे में ना कुछ कुछ लिखा गया है, उसको जस्ट हम यहाँ पे रीड करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इनके यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे ओनली साइंटिस्ट को ना सबको समराइज कर देंगे कि हमने अभी यहाँ पे कौन कौन से नाम पढ़े थे। इसी के लिए मैं आपसे पूछ रही थी, आपके एनसीईआरटी है, मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स वेटसन की, तो पूरा नाम देख लीजिए इनका, पूरा नाम है जेम्स डेवे वेटसन। कहाँ पे बॉर्न हुए थे, शिकागो में, अप्रैल 6 1928 में। 1947 में ही रिसीव बीएससी डिग्री इन जूलॉजी। ड्यूरिंग दिस ईयर हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग एंड हैड मैच्योर्ड इनटू अ सीरियस डिजायर टू लर्न द जेनेटिक्स। दिस बिकेम पॉसिबल व्हेन ही रिसीव्ड अ फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन जूलॉजी एट द, ध्यान रखना इंडियाना यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी मत पढ़ लेना। दिख रहा आपको क्या लिखा है, इंडियाना यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पे है, ब्लूमिंगटन में है, जहां पे इन्होंने रिसीव किया अपनी पीएचडी डिग्री 1950 में। अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। अगेन अब ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास जो वेटसन थे, वेटसन ने अपनी, इस पे क्वेश्चन थोड़े आने के चांसेस कम है कि इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री कहाँ से की, लेकिन स्टडी किसके ऊपर किया ये इंपॉर्टेंट है। तो जब इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री की 1950 में, तो इनका काम किसके ऊपर था, किसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी, द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, बताइए बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बोलिए, आप तो चुप ही हो गए। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज होता है वायरस, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपने प्लस टू में इतनी बार पढ़ा होगा, ऐसा देखा है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, याद आ रहा है कुछ कुछ,
ये इसका हेड पीस होता है, इसी के अंदर डीएनए होता है और ये बाहर प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। तो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, लेकिन ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो प्लीज इस लाइन को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लीजिए कि जो वेटसन थे इन्होंने स्टडी किसके ऊपर की थी कि एक्सरेज का, हार्ड एक्सरेज का क्या इफेक्ट पड़ता है बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस की मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, जब मतलब वो आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ही मेट क्रिक, ये बाद में क्रिक से मिले एंड डिस्कवर देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। देखो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था कि डीएनए के स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है। सो देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री, देयर सेकेंड एफर्ट बेस्ड अपॉन द मोर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। समझ आ रहा है आपको? एंड बेटर अप्रिसिएशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर रिजल्टेड अर्ली इन मार्च 1953 द प्रपोजल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फिग्रेशन। तो अगेन देखिए जो इस तरीके के की पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हमें फोकस करना है। पहला पहला एफर्ट क्या था इनका, पहला भी सीरियस था लेकिन अनसेटिस्फाई रहे। सेकेंड एफर्ट किसके ऊपर बेस्ड था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के ऊपर। इन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी कि डीएनए के बारे में अब तक क्या क्या चीजें स्टडी हो चुकी है, उसके बारे में क्या क्या हमें पता है। तो बाद में इन्होंने काफी ज्यादा न्यूक्लिक एसिड का लिटरेचर पढ़ा। कब की बात है, 1953 की। उसके बाद इन द प्रपोजल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड कॉन्फिग्रेशन। इसके बाद हमारे पास ये देखिए जो फ्रांसिस फ्रांसिस हैरी जो है, एक मिनट, हाँ फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। अब देखिए इनका नाम भी पूरा ये है, शॉर्ट फॉर्म में फ्रांसिस क्रिक बोलते हैं, पर पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक। ये कब पैदा हुए थे, 8 जून 1916 में, और ये हुए थे 6 अप्रैल 1928 में शिकागो के अंदर, और ये कहाँ पे हुए थे, नॉर्थम्पटन इंग्लैंड में हुए थे। तो ही स्टडी फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड ऑब्टेन ऑफ बीएससी 1937। मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक था जिन्होंने फिजिक्स के अंदर कुछ अपनी स्टडी की थी। तो ये कौन थे, ये हमारे पास थे क्रिक। तो क्रिक ने क्या काम किया था, फिजिक्स के अंदर स्टडी की थी, कहाँ से की थी, लंदन से, और बीएससी डिग्री की थी 1937 में। एक मिनट, उसके बाद यहाँ कंप्लीटेड पीएचडी इन ऑन अ थीसिस एंटाइटल्ड, टाइटल का नाम क्या था, एक्सरे डिफ्रेक्शन, और काम किसके ऊपर किया था उस टाइम पे, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। मतलब आपको पता है प्रोटीन किससे बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनती है, अमाइनोसिड, मतलब अमाइनोसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जब इन्होंने पीएचडी के ऊपर काम किया था तो इनका जो थीसिस, जो इनका वर्क था वो किसके ऊपर था, एक्सरे डिफ्रेक्शन के ऊपर, जिसमें इन्होंने किसको स्टडी किया था, प्रोटीन को और पॉलीपेप्टाइड को। ध्यान रखना यहाँ पे जो वेटसन थे, वेटसन ने जब पीएचडी की तो उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, इन्होंने भी एक्सरेज का यूज किया था बैक्टीरियोफाज की मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। इन्होंने यूज किया था एक्सरे डिफ्रेक्शन किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन के लिए। समझ आ रही है आपको बातें, ये समझ आ रहा है क्या क्या चीजें यहाँ से करनी है। उसके बाद अब क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन द क्रिक कैरियर वॉज हिज फ्रेंडशिप विद द जेडी वेटसन। दोनों के बीच में क्या हो गई, दोनों फ्रेंड्स बन गए। यंग मैन ऑफ 23, ज्यादा बड़े कौन है, वेटसन बड़े है ना, क्रिक छोटे हैं, ये क्रिक बड़े हैं। 1916 ही और कितना था, क्रिक थे 1916 और ये थे, सॉरी क्रिक क्रिक बड़े हैं 1960 और वो उनका था 1928। तो यहाँ पे अ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन क्रिक कैरियर वाज हिज फ्रेंडशिप विद द जेडी वेटसन, देन अ यंग मैन ऑफ 23। उस टाइम पे ये 23 के थे, सोचो 23 में उन्होंने सब कुछ कर लिया था, पीएचडी भी कर ली थी। लीडिंग इन 1953 टू द प्रपोजल ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम, द क्रिक वाज मेड एन एफआरसी इन 1959, एफआरएस इन 1959। द ऑनर्स टू वेटसन विद क्रिक इंक्लूड द जॉन कॉलिंस वेरन, द प्राइज ऑफ द, क्या है ये, प्लीज थोड़ा इसको रीड करना आप लोग। हाँ जी, मैसाचुसेट्स,
मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल 1959, लेस्कर अवार्ड इन 1960, द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन, तो ये सारी इनकी अचीवमेंट है, इनको क्या क्या मिला, वेटसन और क्रिक को ये वाले अवार्ड्स मिले इनको 1953 में, फिर उसके बाद इनको 1960 में लेस्कर अवार्ड भी मिला, उसके बाद रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज मिला 1962 में, अबव ऑल द नोबेल प्राइज इन 1962. तो जब ही 1962 में प्राइज मिला था ना, तब तक उनकी डेथ हो गई थी. जिन्होंने क्या काम किया था, किसको डिस्कवर किया था, एक्सरे का जो डेटा था किसने दिया था, फ्रैंकलिन ने, रोजेलिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सरे यूज किया था. हाँ जी बिल्कुल, तो उनकी तब तक डेथ हो गई थी. तो बस अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जस्ट ना इतना सा ध्यान रख लेना कि जैसे ये है क्रिक है, इनकी थीसिस किसके ऊपर थी, मेडिसिन की किसके ऊपर थी, थोड़ा सा क्योंकि कई बार इस एरिया से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. समझ आ गया आपको? अगेन वही थोड़ा सा डेटा जरूर है. बस एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. तो एक काम कीजिए असीमता और वासु, आप भी नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि देखो ऐसे तो लर्न होने वाला है नहीं आप लोगों को, इवन क्या किसी को भी ऐसे मतलब नेम्स लर्न करना, थोड़े सा आप बार बार लिखोगे तभी लर्न होगा. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नाम हमें किसका लिखना है, सबसे पहला नाम है फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिश्र का, MEISCHER. कब की बात है, 1869 की. क्या दिया था इन्होंने, इन्होंने एक नाम दिया था और उसका नाम है न्यूक्लिन. न्यूक्लिन किसको नाम दिया था, इन्होंने किस क्या चीज देखी थी, डीएनए को देखा था, जो डीएनए कैसा है, एसिडिक. कहाँ देखा था, न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने एसिडिक डीएनए को देखा और उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन का, नेम्ड न्यूक्लिन. कब की बात है, 1869 की. उसके बाद सेकंड कौन आते हैं, सेकंड में आते हैं हमारे पास यही 1953 में. क्या नाम है इनका, जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. अगर आप पूरा नाम करना चाहते हो तो आप आगे वहां से कर सकते हो. कब की बात है, 1953 की. क्या दिया था इन्होंने, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, किसका, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके ऊपर बेस था, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन. अब आप खुद ही सोचो, जो ये क्रिक थे, ये खुद इन्होंने फिजिक्स के अंदर पीएचडी की थी, इनका थीसिस वर्क भी एक्सरे डिफ्रेक्शन के ऊपर ही था, प्रोटीन के ऊपर. तो इनको पूरा इनको नॉलेज थी ना उसके बारे में, नो डाउट कि उसका डेटा किसी और ने दिया था. क्या नाम था उनका, फ्रैंकलिन था. लेकिन इनको पूरी नॉलेज होने के बावजूद उसके बाद ही इसको यूज कर पाए यहाँ पे. अगर इन्हें पता ही नहीं होता कि एक्सरे डिफ्रेक्शन होता क्या है, वो कैसे यूज कर लेते यहाँ पे. इसके बाद थर्ड आता है जो एक्सरे डिफ्रेक्शन है, इसका जो डेटा है वो किसने दिया था, नोट कर रहे हो आप लोग,
डेटा दिया था, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है, क्या नाम इनका, मोराइस विल्किन, और एक काम करना अपनी ना एक कॉपी लगा लेना, उस पे जितनी भी ऐसी ऐसी चीजें होती है लर्न करने वाली उनको अलग से लिख लेना, क्योंकि एंड में ना आपको सीरियसली याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सा पोर्शन हमें अलग से एग्जाम से एक दिन पहले करना होता है। रोजलिन, क्या नाम इनका, फ्रैंकलिन। लेकिन इसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रह गए हमारे पास, लास्ट कौन रह गया है, लास्ट रह गए हैं जिनका नाम है एर्विन शागफ। एर्विन चागफ ने क्या कहा था, एर्विन चागफ ने कहा था कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो क्या होती है, जो एक मिनट, डीएनए के अंदर जो रेशो जो होती है ना, रेशो जो होती है किस किस की, रेशो बिटवीन एडेनाइन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, वो क्या होती है हमेशा, आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू वन। समझ आया, नोट कर लिया असीमता, वासु? यस मैम। वासु आपने, पूरा नोट कर लिया असीमता? यस मैम, आप जब लिख रहे थे मैं साथ साथ नोट कर रही थी। चलो ठीक है, तो आप एक काम करना असीमता, आपका तो एग्जाम आने वाला है, आप ना एक कॉपी बना लो अपनी अलग से, और जैसे देखिए इस तरीके के नेम तो अभी आप करोगे आप दोबारा भूल जाओगे, तो एग्जाम से एक दिन पहले इन सबको पढ़कर जाना, इनकी डेट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। Okay, यहाँ पे ना एक्चुअली एक चीज और, चागर फूल का थोड़ा सा एक ना इक्वेशन भी है, इसको भी आप नोट कर लो, ऐसे आपने पढ़ी होगी। चागर रूल की क्वेश्चन आती है कि हमारे पास, एक मिनट, की इक्वेशन क्या है, a प्लस जी एंड c प्लस टी, a और g क्या है, प्यूरीन, और ये क्या है, पिरिमिडीन, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू वन, और कांस्टेंट, इसको नोट कर लो, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, ये वाली। ठीक है सिमदा, नोट कर लिया इसको भी? यस मैम। ठीक है, बस इतना ही करना था, बाकी चीज फिर हम कल करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। ओके चलो ठीक है सिमता, फिर बाय बाय।